बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग करते हैं शुरू, वीडियो अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा जी आपको। तो फ्रेंड्स कल रात को हम जी लेके आए थे नई मुर्गी, तो अभी हम इसे खोलते हैं। रात को जब मैं इसे लेके आया था तो पिंजरे में ही रोक दी थी, तो अभी जी इसे बाहर निकालते हैं। और जो हमारे मुर्गी बाकी जो सीन मुर्गियाँ वो भी अभी तक मैंने पिंजरे में ही रोकी हुई थी, और इसके साथ नीचे चकोर भी हैं। और ये जी हमारी मुर्गी है, तो अभी से हम निकालते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आज जो मैं मुर्गी लेके आया हूँ कैसी मुर्गी है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसकी जो टेल है माशाल्लाह वो भी काफ़ी लंबी टेल है इसकी। अभी आपको दिखाता हूँ। और जिस दोस्त से मैं लेके आया हूँ वहाँ पे इसने जी कुछ दिन पहले ही अंडे दे के कुड़क हो गई थी, तो अभी उससे मैं फिर ले आया हूँ, क्योंकि उसके पास दूसरी मुर्गी थी, उसने अंडों पे वो बिठा दिए। तो अभी मुर्गे को भी निकालते हैं बाहर, देखते हैं जी मुर्गी के देख के इसकी क्या करता है। जी मुर्गी पिंजरे के ऊपर है, और अभी निकालते हैं जी मुर्गे को भी बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो जी। मुर्गा देखें जी मस्ती में आ गया देखकर मुर्गी को। मुर्गी भी अभी ऊपर ही है, बस वो लगता है जी नीचे आई गई। मुर्गा काफ़ी ज़्यादा मस्ती में हो गया, ये देखें फ्रेंड्स उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा, देखें जी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। मुर्गा जी इंतज़ार में है कि मुर्गी नीचे उतरे, पर मुर्गी अभी ऊपर ही बैठी हुई है। बाकी ये देखें जी किस तरह मुर्गियों को बुला रहा है ये, कि ये भी मुर्गी नीचे आए। और ये देखें जी मुर्गी नीचे ही आ गई है। तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मेरे पास काफ़ी असील मुर्गियां थी, तो जब मैंने ये कल देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो काफ़ी माशाल्लाह जी खूबसूरत मुर्गी है। और मेरे पास जो पहले मुर्गियां थी ये देखें फिर अभी उड़ के ऊपर चली गई है। इसकी टेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है जी, इसकी टेल माशाल्लाह ज़बरदस्त है और बहुत लंबी टेल है इसकी। ये जो पहले मुर्गी थी मेरे पास ब्लैक, ये बेगम नस्ल से, और बाकी ये जो दो हैं ये सील हैं। अभी देखते हैं जो हमारी दूसरी सील मुर्गी है ये आपस में लड़ती तो नहीं है, पर वो देखें जो जो नई मुर्गी है भाग गई है, और उसके पीछे भी मुर्गा भी जी ये देखें दीवार के ऊपर ही चढ़ गया। अच्छा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी छत के ऊपर नहीं चढ़ गई, उड़ने की कोशिश की है मुर्गी ने, पर हाइट काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से ऊपर नहीं पहुंच सकी, दोबारा नीचे ही गिर गई है।
तो फ्रेंड्स मुर्गा नीचे से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखें जी फुल मस्ती में आज। उसके अलावा जी कुछ देर ही पहले हमने जी अपनी गाय को चारा वगैरह डाल दिया, तो अभी ये भी खा रही हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में लाजमी बताइएगा जी मुर्गी आपको कैसी लगी है, कमेंट्स में लाजमी इजहार कीजिएगा अपनी राय का। अभी मुर्गी उड़ेगी जी ऊपर दीवार पर। अच्छा फिर दीवार के ऊपर जी चढ़कर बैठ गई है। तो फ्रेंड्स सेटअप से डक्स को सारी को जी बाहर निकाला हुआ है, तो अभी ये गार्डन में आई हुई है माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। यहाँ पे जी घास लगा हुआ है, ये खा रही हैं सब। उसके अलावा जी छोटी डक्स हैं वो भी जी इधर ही हैं। बाकी ये मुर्गी के बच्चे भी जी इन्होंने आज काफ़ी लड़ना शुरू कर दिया जी, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं ये भी। ये देखे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। ये देखें जी फ्रेंड्स इसका फेस। इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया अभी से ही। तो ठीक है फ्रेंड्स मुझे दें इजाज़त जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।